गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेमा क्रिएटिव गार्डन और हमारे गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, हमारी कद्दू की बेल है ना, तो आज हम आपको हैंड पॉलिनेशन के बारे में बताएंगे कि आप घर में गमले में या किसी ग्रो बैग में छत पे गार्डनिंग करते हैं तो हैंड पॉलिनेशन के बगैर आप सब्जियां, जैसे बेल वाली सब्जियां, कद्दू हुआ, लौकी हुआ, ये सब बड़े मुश्किल से होती हैं, तो आपको हैंड पॉलिनेशन तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे खेतों में जैसे होता है ना, तो बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, इतने सारे कीट पतंगे होते हैं ना, तो एक दूसरे पे बैठ के वो आसानी से पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन हम जब गार्डनर कितना लगाते हैं, एक पौधा करेले का लगाए हैं, ये कद्दू की बेल है दोस्तों, ये देखिए लौकी की बेल है, इतने में अपने आप पॉलिनेशन होना बड़ा मुश्किल होता है। तो खासकर लौकी और कद्दू में तो हैंड पॉलिनेशन करना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए, ये कल हमारे यहाँ एक इस वाले प्लांट में एक कद्दू बच्चा आया था, तो उसका हमने हैंड पॉलिनेशन किया है और वीडियो में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया, बनाए थे। लेकिन आज हम दूसरा जो है, एक दूसरे पौधे में है बच्चा, तो हम उसका करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे होता है। तो इसमें से हम एक, अगर आपके पास नज़दीक है तो आप देखिए, जैसे कि ये है ना, इससे ये बस आप ब्रश ले लीजिए बच्चों का, या कोई भी चीज़ ले लीजिए, रुई ना हो तो आप कॉटन ले लीजिए और थोड़ा सा छोटी सी माचिस की तीली में किसी में लपेट के उसको आप जो है इस तरह से, देख रहे हैं ना, जैसे ये है, ये इसमें से हमने निकाला, ये आपको दिख रहा है ना, तो बस ये चल के हमको जो एक, हम यहाँ से फ्लावर भी ले लेते हैं दोस्तों, अच्छे से जैसे हो जाए वहाँ पे, हम वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं इसको कैसे करना है। और ये देखिए हमारे दोस्तों लौकी की बेल है, और लौकी की बेल में क्या समस्या है कि ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फल फ्रूट आए हैं ना, लेकिन इनको बचना मुश्किल होगा क्योंकि हम अभी पॉलिनेशन किए हैं, हैंड पॉलिनेशन, तो इनके फूल सूख गए हैं ना। तो लौकी की फूल जो है रात में खिलता है, तो हम थोड़ा सा, हमें भूलने की समस्या है, तो 7-8 बजे तक तो हम यहाँ थे, पूरी तरह फूल खिले नहीं थे और रात में हम आना भूल गए। तो कभी कभी ऐसा होता है भूल जाते हैं तो वो बच्चे हम नहीं बचा पाते। अब ये देखिए, ये एक बेल कद्दू की हमारी ये है, इस कंटेनर में लगी हुई है, तो इसमें देखिए एक बच्चा आया हुआ है, एक देखिए ये है, तो इसे जो है कल या परसों ये तैयार होंगे, हालांकि आज इनको हम पॉलिनेशन के लिए तैयार हैं। और देखिए इसमें से एक कीट निकल के गया है ना, तो ऐसे ही होता है, देखिए इसको घुमा लें अपनी तरफ, से आप उसमें से ले आए तो ये ऐसे ऐसे इनको सॉफ्ट, मतलब कि बहुत हल्के हाथों से ये आपने इसमें से ये मेल फ्लावर है दोस्तों, तो आप वहाँ से ले लिए, बस इसमें जो है ऐसे ऐसे लगा दीजिए, बस इतने से ही आपका ये फल बच जाएगा। देखिए मधुमक्खी आई है ना, तो ऐसे ही होता है खेतों में कि आप जैसे कि अब ये देखिए, ये मेल फ्लावर है दोस्तों, ये मेल फ्लावर है, ये तो समझना होगा ना कि हम कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, ये देखिए ये इसे फीमेल कहते हैं और इसे मेल कहते हैं। तो आपको इसमें से जो है, इसमें थोड़ा पराग जो होते हैं कि आप इसको बोलते हैं, तो इसमें से इसे ले लीजिए, अब बस आप देखिए ब्रश में आगे भी गया है ना, इसको आराम से धीरे 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 यहाँ लगा दीजिए, अब देखिए इसमें फूल में एक मधुमक्खी घुसी हुई है ना, तो अब ये अगर ये मेल फ्लावर में होती आया कि इसमें बैठ जाती तो आसानी से ये जो है पॉलिनेशन हो जाता है। तो खेतों में यही होता है, अब यहाँ पे कम हैं,
अब देखिए इस पौधे में मेल फ्लावर ही नहीं है, ये मधुमक्खी यहाँ से मेल फ्लावर पे बैठ के उस पे जाए, तो हम ये मेल फ्लावर यहाँ रख देते हैं। हमने वैसे कर दिया है पॉलिनेशन, अगर नहीं भी थोड़ा बहुत हुआ होगा तो ये मधुमक्खियाँ हैं एक दूसरे से, देख रहे हैं मधुमक्खी कैसे बैठी है। अब ये मेल फ्लावर पे अगर यहाँ बैठती है, यहाँ से बैठ के इस पे आ जाती है, इन लोगों के पैर में ये इसके जो पराग होते हैं ना, ये सब ये देखिए ये वाला भाग इनके पैर में लग जाता है ना। अब वो पैर में लग के फिर जो है ये वाला भाग पैर में लग के इसमें चला जाता है, इनमें लग जाता है, बस इसी से जो है पॉलिनेशन अच्छे से हो जाता है और फल बच जाते हैं ना। और हमारे यहाँ क्या होता है कि पौधे बहुत कम होते हैं, हमने बेल जो है लौकी की भी लगाई है और कद्दू की, तो इसमें जो है दिक्कतें आती हैं। कभी कभी होता है मेल फ्लावर आया, अब इस पौधे में देखिए सिर्फ एक फीमेल आई है ना, और उधर के पौधे में सिर्फ मेल फूल आए हैं, तो कभी कभी समस्या हो जाती है कि मेल फूल ही नहीं हैं, फीमेल आई हैं, तो यही सब समस्याएं होती हैं छत पे, लेकिन ध्यान देते हैं तो हो जाता है। बस लौकी में समस्याएं होती है कि लौकी के फूल जो है रात में खिलते हैं और 10 बजे रात छत पे आना, अगर कभी कभी दिमाग से उतर जाता है तो वो फिर कितने भी अच्छे फ्रूट्स हो वो बच नहीं पाते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हो पाता उनका, तो वो नहीं बच पाते हैं। तो दोस्तों जैसा लगा होगा हमारा हमारी जानकारी, फिर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। गुड बाय।